फ्लाइट उड़ चुकी है, पर क्या केरला स्ट्राइकर्स के बैटर्स उड़ान भरेंगे? बड़ा सवाल। अगले एक घंटा में हमें इसका जवाब भी मिल जाएगा। मुंबई हीरोज से हवा में, कॉटन बोर्ड का क्या चांस हो सकता था वहां पे? देर तक बॉल थी हवा में, सिंगल मिल जाएगा यानी खाता खुल गया केरला स्ट्राइकर्स का। क्रिकेट और मूवीज दोनों एकजुट चलती है, लेकिन यहाँ पे रन्स मिलेंगे, रन्स मिलेंगे। चेज क्या बॉल जीतेगी? ओ बाउंड्री बचाई है क्या? मुझे लगता है पैर कहीं बाउंड्री कुशन को टच तो नहीं कर रहा था जब ये बॉल रोकी गई है, और शायद बाउंड्री चेक होगा। ये आदित्य डाइव लगाई है यहाँ पे, ये देखिए बॉल ना शायद उनके शरीर को छू गई है, कोशिश उन्होंने भरपूर करी बॉल को अपने शरीर से दूर रखने की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली है। चार सिग्नल कर दिया अंपायर ने भी। बैट्समैन को बहुत तेज से ही मारना चाहिए, देखो ब्लॉक करके सिंगल एक चुरा लिया। कुछ उस तरह की वो, ये मौका हो सकता था, मौका हो सकता था गली पे जो फील्डर थे। दो रन मिल गए, दो रन तो मिल गए, पर ये रिप्ले देखना दिलचस्प होगा। फुलरिश बॉल और ड्राइव कर दिया है टुवर्ड्स लॉन्ग ऑफ और कवर्स के बीच में, और ब्रिलियंट थ्रो। छकाया पूरी तरह से राजीव को, ओवर की समाप्ति 9 बिना नुकसान। पर ज्यादा कुछ दे नहीं रहे हैं बल्लेबाज को अपनी गेंदबाजी में भी। ये परफॉर्मर, और ये मिड विकेट के ऊपर से मार दिया है उन्होंने दो रन के लिए। ब्लॉक कर दिया है टॉप ओवर जैमी ने। इट्स 15 फॉर नो लॉस आफ्टर टू ओवर्स। शॉर्ट बॉल और कट कर दिया है ओवर पॉइंट, क्वालिटी शॉट। रनर बुलाया तो था लेकिन जरूरत नहीं है। कवर्स पे करारा शॉट, बट फील्ड उस हिसाब से फेस की है। देखा जाएगा तो बंगाल ने कल का मैच स्टडी करके उन्होंने जो फील्ड प्लेसिंग है विकेट लो रहा है। एक और एक वाइड। शाम को मैंने नोटिस किया है रमन भाई कि एक्स्ट्रा थोड़े ज्यादा होते हैं, कल भी हमने ये नोटिस किया था। बनाना स्विंग मिल रहा हो, लेकिन यहाँ पे स्विंग मिला है बल्ले का और मिलेंगे चार। फुलिश बॉल और मार दिया है, टाइमिंग बड़ी अच्छी उस पे, और एक रन के लिए लॉन्ग ऑफ पे, और ये पुश कर दिया है मिड विकेट पे। देखेंगे अच्छी फील्डिंग वहां, दो रन, और दैट्स 35 फॉर नो लॉस आफ्टर फोर ओवर्स। और ये पुश कर दिया है मिड विकेट पे, देखेंगे अच्छी फील्डिंग वहां, दो रन, और दैट्स 35 फॉर नो लॉस आफ्टर फोर ओवर्स। कैच, और लीजिए वो बाउंड्री राइडर अब प्ले में आएगा। डीप मिड विकेट पे कोई गलती नहीं करी है कैच पकड़ने में उदय ने, और पहली विकेट गिरती हुई केरला स्ट्राइकर्स की। चौपी इनफील्ड के ऊपर से खेला है, और कम से कम दो रन मिलने चाहिए यहाँ, दूसरे रन के लिए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर राजीव ने स्टार्ट ले लिया था, वापस जाना पड़ा। ओवर की समाप्ति 43 पर एक, दुख लगेगा। ओह क्लीन बॉल यहाँ पर, सतदीप आए थे पहली बॉल में, जबरदस्त पुल गेंद, और अलेक्जेंडर को वापस भेजते हुए क्या इंटेंसिटी, अच्छी शुरुआत यहाँ पर सतदीप की ओर से। एक बार फिर से उठाकर यहाँ खेलने का प्रयास, दूसरे रन के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर, ये सेट करेगा टोन अगले इनिंग्स की। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ओवर की पहली गेंद में, लेकिन जो एलिवेशन मिला था उसकी वजह से इनफ समय मिला कि दो रन्स ले ले यहाँ पर बेनी, लेकिन दो रन्स या सिंगल से अब दाल नहीं गलने वाली है। चलिए उसका कुछ खामियाजा आपको मिलना चाहिए, बहुत बढ़िया शॉट है और छह रन मिल जाएंगे। शाबाश, इस शॉट की तलाश थी, ऐसे ऐसे बीच में शॉट सकते रहे, थोड़ी उम्मीद बची रहती है।
फिर से एक बार सीधे खेल दिया है और अच्छी फील्डिंग इस मौके पर, दूसरे रन को भी रोका, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। क्या जबरदस्त थ्रो, बिल्कुल एकदम फिटनेस का अपना पर केरला स्ट्राइकर्स के लिए, और उसकी आवश्यकता भी है। 65 रन से पिछड़ रहे हैं इस इनिंग में, सिर्फ 3 ओवर बाकी है, लेकिन यहां पर दूसरा रन आसानी से मिल जाएगा। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन उन डबल्स को बाउंड्रीज में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी फिलहाल। में डाला है अब तक दोनों ही बल्लेबाजों को, ओह बहुत क्लोज है, शायद अंपायर सोच रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ऑस्टम की लाइन से बाहर है। एक ही रीजन, एक ही तरह से बच सकते हैं आप। 13 ही बॉल्स बाकी हैं। ओ मिस हुई स्टंप, कीपर सबको मिस करते हुए 22 के ये 4 रन मिलेंगे। एक अच्छा मुफ्त गिफ्ट यहां पर, 72 केरला स्ट्राइकर्स 8 ओवर्स में। बढ़िया लेंथ, लेकिन एक पैर पर जाकर अच्छे बैलेंस के साथ उसे पुल किया, सिंगल ही मिला। एक बार फिर से बड़े शॉट्स की दरकार है, स्ट्राइक रेट को अपना बढ़ाना होगा इन दोनों ही प्लेयर्स को। बढ़िया शॉट उठाकर खेला है, लेकिन डिस्टेंस एक बार फिर से तय नहीं हुआ। 2 रन मिल रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं आ रहे हैं यहां पर। संभाल कर रखते हुए इस इनिंग को बंगाल टाइगर्स के बॉलर्स, तो यहां पे एक रन आउट का मौका देना समझदारी नहीं होगी। फिर से एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फिर से एक बार 2 ही रन मिल पाएंगे। आखिरी बॉल, बड़ा शॉट लगाने की एक बार फिर से कोशिश, इस बार और इस बार मिल जाएगा वो चौका जिसकी दरकार थी। 9 ओवर की समाप्ति पर 83/2 केरला स्ट्राइकर्स। बन जाए तब भी बहुत अच्छा रहेगा, नहीं बनेंगे 18। बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, यॉर्कर लेन के नजदीक राहुल, तब आपको चाहिए 225 का स्ट्राइक रेट। शायद अभी जो इतना पीछे रह गए वो शायद राजीव की धीमी बल्लेबाजी के कारण भी हो रहा है। कहते हैं घी में है फिलहाल बंगाल टाइगर्स के लिए। फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार एज के ही सही, 4 रन मिलेंगे। बहुत ही बेहतर एक आंकड़ा, इस बार करेक्शन अच्छा है और इस बार रिजल्ट भी अच्छा है, 6 रन मिलेंगे राजीव को। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, आखिरकार बैट के बीचों बीच आया। स्ट्राइक पर एक बार फिर से पुल किया, लेकिन यहां पर ज्यादा से ज्यादा 2 रन मिलेंगे। जी हाँ, मैंने 18 कहे थे, 14 तो बन गए। आखिरी बॉल इस इनिंग की, बड़ा शॉट और 6 रन मिलेंगे, तो 100 का आंकड़ा पार हुआ। गेम ऑन है यहां, 25 रन से पीछे केरला स्ट्राइकर्स। बड़ा ओवर, 20 रन आए इस ओवर से और राजीव ने जाते जाते अपना काम किया। केरला स्ट्राइकर्स दूसरे इनिंग्स इस मैच की, 27 बॉल्स में 46 रन राजीव नॉट आउट, और 16 बॉल्स पे 26 रन जो बनाए बेनी ने, उसकी वजह से 100 का आंकड़ा जरूर पार किया, लेकिन उसके बावजूद 25 रन पीछे।